दोस्तों बैटरी स्पीड इंक्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबको अपने होम में कुछ भी नहीं करना, घर पे जाके आप सब लोग को बस अपना एक स्टांस लेना है। जो हम सब लोग स्टांस लेते हैं तो आप सब लोग उस पर चेक करते होंगे कि जो बैट है वो अच्छे से शॉट नहीं पड़ता है। तो बैटरी स्पीड इंक्रीज करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सब भी बैट नहीं पड़ती रहिए। बैट लिफ्ट क्या होती है, बैट को कितना आप ऊपर ला सकते हो ये होता है बैट लिफ्ट, ठीक है। तो आपकी बैट लिफ्ट होती है इतनी मैक्सिमम, ठीक है। पर दोस्तों बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे खड़े होते हैं और बस शॉट हिट कर देते हैं, बस अब पैर ही जोड़ लेना, बैटलिफ्ट ये नहीं होता। बैटलिफ्ट क्या होता है कि आप सब लोग अपना ये जो बैट है आप सब लोग उसको कितना ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। बैट अगर आप ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो आप लोग का जो स्ट्रोक है वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा और ये जो बैट का वो शॉट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा, ठीक है, लाइक दिस। और ये बहुत ही अच्छा है पर दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि अब एकदम ऊपर ही कर लिए, ऊपर करना अब ये एकदम मजाक हो जाता है, ठीक है। बैकलिफ्ट एकदम सही होता होना चाहिए और आप सब लोग का जो शॉट एकदम अच्छा पड़ना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आप सबको बताता हूँ कि आप सब लोग को क्या करना है ट्यूटोरियल, आप सब लोग को करना कैसे है बैकलिफ्ट को इंक्रीज़, ठीक है। तो अब ये आपको एकदम पैर ऊपर ले जाना है, देन शॉट हिट करना है, ठीक है। पर ऐसा नहीं करना कि पैर टूट जाए, पैर टूटने वाला बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपने आना है और ये शॉट खेल देना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोग को ये कैसे करना है और ये कुछ मैं शॉट्स करके दिखाता हूँ कि शॉट्स कैसे खेलते हैं इस पर बैकलिफ्ट के थ्रू, तो और पुल शॉट भी कैसे खेलते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक, ठीक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं बैकलिफ्ट को देखते हैं कि आप समझो कैसे करना है, ठीक है। आप सब लोग को हमारी ये वीडियो और पेशकश अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप सब लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जो मैंने आप लोगों को ये टिप्स दी बताने की क्रिकेट गेम सब चैनल को, ठीक है। तो आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और देन जो मेरे दूसरा चैनल है आई टेक उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इस वीडियो में ही आप सब लोग से मिलूंगा अगली वीडियो में और ऐसे ही सबको सिखाते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।